अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। खट्टर साहब ने आपको पांच अच्छी बातें कुछ लगती हैं, पांच गिना सकते हो? बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ेगी पुल साहब। अच्छा, बहुत सारी पांच ढूंढने के लिए? मैं एक ढूंढने के लिए आज के दिन। यानी आपने कहा मैं भगत सिंह बनने के लिए तैयार हूँ? छोटा मोटा, छोटा मोटा बनो भगत सिंह और 15-20 में से जितने नाम पता सारे बता दो। करनाल की राजनीति 15-20 बड़े व्यापारियों के हाथ में रहती है। अरे उपल साहब, वक्त आएगा। नहीं नहीं नहीं, आज ही नहीं, 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 नहीं। अगर इसका फिर आप में और लोगों में क्या फर्क है? पांच ऐसी चीजें जो आपको लगता हो कि ये लोग अगर सुनेंगे तो उनका कहीं ना कहीं रुझान बढ़ेगा कि भाई ये आदमी है जो खट्टर को टक्कर दे सकता है, ये आदमी है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दे सकता है। उपल साहब, ऐसा है, वादे ना बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टो आते हैं, तो बिना वादा किए तो कोई वोट देगा नहीं। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि देश के इतिहास में, देश की किताबों में एक दिन साहिल हिंदुस्तानी पढ़ाया जाया करेगा। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? मैं या ऐसा लग नहीं रहा, मैं अपने आप को उस तरीके को तो आपको लग रहा है ओवर कुछ कह रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, बात बताइए। मान लो आप चुनाव जीतो तो पढ़ाए जाओगे, अगर हारे तो क्या थोड़ी पढ़ाए जाओगे? वही तो कह रहा हूँ। तो आप ये जो फेसबुक पे लिखते हो मुखिया जी मुखिया जी, हाँ जी, ये मुखिया जी कौन है? मुखिया जी हमारे राजा है। कौन? राजा, राजतंत्र, राजा हिंदुस्तानी। तो आपको लगा कि उन्होंने आपको इतना साथ देने के बावजूद सरकार में जगह नहीं दी? हाथ जोड़े थे उनके आगे? मैंने नहीं जोड़े थे, ये क्योंकि वो ना मौके बनाते हैं, वो मौके बनाते हैं कि इस मौके पे हमें किसकी जरूरत है, आज हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, वो हमारे साथ आ सकता है। अच्छा, आपको 2019 में कितने वोट मिले? मुझे 858 वोट मिले। 858, यानी 858 सपोर्टर तो है आपके पास। मेयर चुनाव में आपने लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे 10-10 रुपए शायद, उन पैसों का क्या रहा आज तक नहीं पता लगा? कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? 2700 रुपए इकट्ठे हुए थे बस। हाँ जी, हाँ जी। 1.5-2 लाख में महीने की सैलरी छोड़ के आप राजनीति में आना चाहते हैं? साहिल हिंदुस्तानी, तेरे पास सब कुछ है यार, भगवान का दिया गाड़ी है, अच्छा परिवार है, बढ़िया नौकरी है, एसी कैबिन है, नीचे तेरे जवाब काम करने वाले 100 लोग हैं। मैं किसी भी देशभक्त के पैर छूने को तैयार हूँ, पैर धोके पीने को तैयार हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधा एपिसोड देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई इसमें दो दो हाथ करना चाहता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि बदलाव को लेकर हर कोई इसमें कूदना चाहता है। कुछ लोग इसे अच्छा बताते हैं और कुछ लोग इसे गंदगी बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गंदगी में, यानी कि राजनीति में इतनी गंदगी है कि इसकी सफाई के लिए उस गंदगी में उतरना ज़रूरी है। और ऐसा ही एक सपना लिए, एक लक्ष्य लिए करनाल के एक युवा जिनका नाम है सतपाल अरोड़ा उर्फ साहिल हिंदुस्तानी, जो कि इस समय मेरे साथ मौजूद है। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद उपल साहब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज साहिल जी के साथ बैठने का क्या कारण हुआ। आज साहिल जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बधाई के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लगभग 1-1.5 लाख रुपये महीना कमाने वाले, हो सकता है ज़्यादा भी हो, अभी पूछेंगे, क्योंकि ये एपिसोड कोई फिक्स एपिसोड नहीं है, ये एपिसोड कोई स्पॉन्सर्ड एपिसोड नहीं है। कुछ बातें चर्चा हुई थी, कुछ ऐसी थी जो मैं चाहता था कि कैमरे के सामने ही हो। तो साहिल हिंदुस्तानी ने अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर ये प्रण लिया है कि वो राजनीति में आएंगे। हालांकि इससे पहले भी 2 बार इन्होंने राजनीति में आने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार ही नाकामयाब रहे। पहली बार साहिल जी, आपकी जो पत्नी थी, क्योंकि मेयर की जो सीट थी महिला आरक्षित हो गई थी, तो वो लड़ना चाहती थी चुनाव। उस समय पे शायद कुछ वोटर लिस्ट का चक्कर था, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए। हाँ जी, सोशल मीडिया पे काफ़ी मजाक भी बना उस बात का। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि जिस चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, अगर वो काम करने की कोशिश की जाए तो गलतियां हो जाया करती हैं। बिल्कुल। दूसरी बार आप मेरे ख्याल चुनाव लड़े भी। हाँ जी, सेब का कुछ चुनाव चिन्ह था आपका। बिल्कुल। लेकिन उस समय में भी आपको बहुत ज़्यादा जो लोगों का प्यार था, सहयोग था, शायद नहीं मिल पाया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एक अच्छी रीच ना होना, एक अच्छी मैनेजमेंट ना होना, हो सकता है अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन ना होना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे, अभी कमेंट्स चलेंगे नीचे, कि ये तो बेवकूफ़ी है कि 1-1.5 लाख रुपये शायद ज़्यादा भी सैलरी। पहले तो ये बताओ, सैलरी थी कितनी? उपल साहब, बिल्कुल, पहले तो मैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगा, उपल साहब का धन्यवाद कि उन्होंने मंच दिया मुझे मेरी बात रखने के लिए। और मैं सबसे पहले, मैं उपल साहब के इंटरव्यू लेने से पहले मैं कुछ बात
दो मिनट की बात अपनी कहना चाह रहा था और उपल साहब ने वो बोल भी दी कि मुझे मालूम था इस इंटरव्यू के बाद और इस डिसीजन के बाद कुछ लोग मुझे पागल भी कहेंगे, सिर फिरा भी कहेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, बहुत सारा करेंगे कि पागल है, सिर फिरा है, पता नहीं क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। लेकिन मैं सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कोई भी भगत सिंह मरने के बाद ही बनेगा। छोटा मोटा भगत सिंह अगर कोई जीते जी बगैर मरे अपने देश और समाज के लिए बनना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो उसे भी मौका देना चाहिए। हम भगत सिंह उसी को ना माने जो अपनी जान दे जाता है, जीते जी जो आपके लिए कुछ करे, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहे, उसे भी छोटा मोटा मान लेना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा स्रोत वो मेरे भी हैं, वो मेरे भी हैं। और दूसरी बात उपल साहब, सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो है वो 1.25 लाख रुपए फिक्स है और उसमें जो इंसेंटिव पार्ट रहता है वो अलग से रहता है। लगभग कितना बन जाता था वो वेरिएबल है, कभी 1.5 हो जाता है, कभी 1.75 हो जाता है। 1.5-2 लाख रुपए महीने की सैलरी छोड़ के आप राजनीति में आना चाहते हैं? मैं राजनीति, आपने एक और शब्द बोला राजनीति गंदगी है, मैं राजनीति शब्द कोई बुरा नहीं है, राजनीति से तो देश चल रहा है, राजनीति से कुछ लोग राजनीति को गंदा कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ, राजनीतिक शब्द गंदा नहीं है, राजनीतिक गलत हो गए, राजनीति शब्द गंदा नहीं है, राजनीतिज्ञ गलत हो गए। राजनीति तो जिससे देश चल रहा है, समाज चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही है, वो गलत कैसे हो सकता है? जिस चीज से हमारा देश चल रहा है वो गलत कैसे हो सकता है? जिससे हम अपने देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, करप्शन करते हैं, वो तो गलत नहीं हो सकता। हाँ, जिनको हमने चुन लिया वो गलत हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं जी, इसमें कोई शक तो नहीं। ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी 2021 चल रहा है, चुनाव 2024 में है, लगभग 3 साल का वक्त तो अभी पड़ा ही है। अगर मैं लोकसभा चुनावों की बात करूँ, 3.5 साल का वक्त पड़ा है। अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूँ तो तैयारी आप विधानसभा चुनावों के लिए खट्टर साहब को टक्कर देने की सोच रहे हैं या संजय भाटिया जी जो कि मोदी जी की उसमें संसद में है उनको टक्कर देने की सोच रहे हैं? उपल साहब, टक्कर किसी को देने की नहीं सोच रहा, सच बताऊँ तो मेरा मकसद है कि एक विकल्प देना, जो आजकल एक बात होती है कि विकल्प नहीं है। तो मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर 2 टांग है, मेरे दिल और दिमाग में मेरे देश के प्रति, समाज के प्रति जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, तो इसमें विकल्प क्या होता है? अगर आपके मन में देश और समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा है, अच्छा करने की इच्छा है, आपका स्वस्थ दिमाग है, आपके पास 2 टांग 2 हाथ 2 हाथ पैर जैसे मोदी जी के हैं, जैसे खट्टर जी के वैसे हैं, तो इसमें विकल्प की क्या जरूरत होती है जी? तो मोदी जी के तो आप बड़े जबरदस्त फैन थे, पहले पोस्टर डालते थे कि मोदी जी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये पलटी कैसे लग रही है, या अभी भी मोदी भक्ति है अभी? 2014 में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, देवेंद्र गांधी जी ने लिया था, आमना सामना प्रोग्राम था, आप वो इंटरव्यू आज भी ऑन रिकॉर्ड पड़ा है, उसमें मुझसे ये सवाल पूछा गया था गांधी जी के द्वारा भी कि मोदी जी 2014 में या 19 में? 2014 में मैंने बोला था कि मैं 2019 से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और मैंने लड़ा, ना मुद्रा चलेगी ना मदिरा चलेगी, इस स्लोगन पे लड़ा, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं आपके इस चैनल पर लाइव होकर बोल रहा हूँ, मुझे 4 राजनीतिक पार्टियों ने मुझे बोला कि आप हमारी टिकट से चुनाव लड़ो, जिसमें से एक आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने मुझे कहा कि आप अभी हाँ करो और वहां पे केजरीवाल साहब आपके नाम का टिकट निकाल देंगे, अनाउंस करेंगे कि करनाल से साहिल हिंदुस्तानी लड़ेगा। तो मेरी इच्छा, बाकी 3 पार्टियां कौन सी थी सर? बाकी स्वराज इंडिया भी थी, अकाली दल से भी आया, और मेरे पास मेरे ऑफिस में जेजेपी के कैंडिडेट भी आए जो आजकल जेजेपी छोड़ चुके हैं, उनका नाम है शायद विक्रमजीत सिंह गोरैया, शायद ऐसा नाम है, मैं पूरा नाम अगर नहीं जानता, जो पुराने जिला देखो, इंद्रजीत सिंह गोरैया वो मेरे ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा था कि यस कि आप जैसे युवाओं की हमें जुड़ते हैं और आप जेजेपी पार्टी में आइए इन चुनाव के लिए। मैंने उन्हें भी मना किया क्योंकि मेरी जो इच्छा थी उपल साहब ये थी कि बिना झंडे के लड़ना है, वोट चाहे मुझे 1 मिले, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ किसी पार्टी में जुड़ने का, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, मुझे ऑफर आया मैं तब भी नहीं गया। वोट चाहे आपको 1 क्यों मिले, 1 वोट तो आपका अपना होगा, घर वाले भी वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं, मैंने ये सोचा था, देखो क्या होता है वोट को लेके, उपल साहब हर एक आजाद है, हर एक की अपनी राय है, आप मानेंगे मेरे करनाल में कुछ रिश्तेदार होंगे, आप भी यहीं पे थे, आपके परिवार से पूछना, मैं उनके घर तक भी नहीं गया वोट मांगने के लिए, मैं अपने रिश्तेदारों के घर तक भी नहीं गया वोट मांगने, मैंने अपनी सोच जरूर बताई, मेरा एक पंपलेट था जिसको लेकर मैं गया लोगों के बीच में, 15 किलोमीटर में डेली पैदल चला, मेरे पास उपल साहब बहुत बढ़िया सा ब्रांड है जिसपे मैं काम कर रहा था, आज मैं ये बोलूंगा काम कर रहा था क्योंकि मैंने वहां पर नोटिस पीरियड सर्वाइव कर दिया है, जिसमें मैं काम कर रहा था, बढ़िया सा मेरा एसी कैबिन है, बढ़िया से मेरे लोग, मेरे अंडर 7-100 लोगों की टीम थी, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ये सोचा
कि साहिल कब तक तू सिर्फ अपने दो बच्चों के भविष्य की सोचेगा, देश के बच्चों के भविष्य की, बच्चों के भविष्य की कौन सोचेगा, क्योंकि सबको देख लिया, ये 99% सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना विकल्प दिया जाए। 99% 1% कौन थाली का चट्टा बट्टा नहीं है? देखो 1% हो सकता है, मैं अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखो जी, एक मनोहर पारिकर जी थे गोवा के, जो सीएम होते भी स्कूटर पे चलते थे, बहुत सादगी भरा जीवन जिया इन्होंने। ऐसे ऐसे बहुत सारे ममता बनर्जी भी हैं लिस्ट में। ममता बनर्जी जी, मैं कह रहा हूँ देखो, सफेद साड़ी आज भी उनकी, वो साड़ी की कीमत 1000 रुपए होगी, 2000 होगी, 500 रुपए होगी, आज भी वो 150-200 रुपए। मोदी जी की तरह लाखों रुपए का सूट नहीं है। देखो मोदी जी को जो हमने समझा, मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया, मैं क्यों झूठ बोलूं, और मैं उस 2014 की वीडियो पे आ रहा हूँ, मैंने उस टाइम भी ये बोला था, जिस दिन मुझे लगेगा मैं मोदी जी के साथ उस दिन तक खड़ा हूँ जिस दिन तक वो मेरे देश मेरे समाज के बारे में अच्छा सोच रहे अच्छा कर रहे हैं। मैं किसी भी देशभक्त के पैर छूने को तैयार हूँ, पैर धोके पीने को तैयार हूँ। मैं आज दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी किसी जात धर्म का हो, अगर वो देश समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, मैं आज भी उपल साहब उसके पैर धोने के लिए पीने के लिए तैयार हूँ। और मैंने उस इंटरव्यू में बोला था, उन्होंने जब मुझसे सवाल पूछा कि मोदी जी को आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हो, कल को उन्होंने आपसे अंगूठा मांग लिया तो फिर क्या करोगे, मैंने कहा जब तक वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, जिस दिन वो देश के लिए अच्छा नहीं करेंगे मेरे लिए मोदी जी भी कुछ नहीं। मोदी जी के किए हुए 5 अच्छे काम बताओ, आप कह रहे हो कि उन्होंने देश के लिए अच्छा किया तब तक मैं साथ था। हाँ जी, क्या 5 अच्छे काम उन्होंने किए? देखो जी मैं 2 या 3 जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित लोगों का फायदा हुआ। मैं 2-3 चीजों पर आऊंगा कि उससे पहले एक परिवर्तन की कोई बात नहीं करता था। एक आप चाहे उसे आप लगाएं कि ये हमारा शौचालय, किसी ने परिवर्तन की बात नहीं की, वो कितने बने कितने नहीं बने, आज कितने चालू हालत में कितने नहीं है मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक आदमी के सोच में ये बात आई, स्वच्छता अभियान एक आदमी के सोच में बात आई। वो क्या हुआ कि जब कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ तो हम ये कहने लग गए कि देखो मोदी के स्वच्छता अभियान की ऐसी तैसी हो रही है। देखो लोगों के जहन में जो बात आई, एक उज्ज्वला जो योजना आई वो ठीक है कि ये गरीबों को, अब वो हकीकत में आज कितने हैं कितने नहीं, क्योंकि फिर वो मैंने देखा कि ये जो योजनाएं बनी वो 10% हकीकत में हुई और 90% कागजों में चली, वो तो जैसे राजीव गांधी ने कहा था। हाँ, तो फिर मैंने बैकआउट करना शुरू किया। 3 हो गए, बाकी 2 और काम, बाकी 2 देखो उनकी वजह से हमारे देश की कहीं ना कहीं छवि आज धूमिल हो गई है, लेकिन उस टाइम बनी थी। 4 हो गए, 4। दूसरा ये था जी कि आप पड़ोसी राज्य कहीं ना कहीं वो दबाव में आए थे, दबाव में नहीं है। आज तो सर, आज तो मैं अगर बात करूं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। तो बांग्लादेश की तो यानी कि पॉपुलेशन भी देखो ना कितनी है सर। फिर एक ही बात आती है हमारे यहाँ पे, एक ये बात बोली जाती है 140 करोड़ जनता है। उपल साहब 140 करोड़, मोदी जी अभी भी 130 करोड़ बोलते हैं। मैं तो वैसे 139, फिर वो कहेंगे ना वो सीए एनआरसी वाले भी बहुत सारे होंगे, फिर घुसपैठिए भी बहुत सारे होंगे। मैं 10 करोड़ को ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी, मैं उनकी जुबान में यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है। तो 140 करोड़ जनता है, तो जी 140 करोड़ मुंह है खाने वाले, 140 करोड़ बदन पहनने वाले, तो उतने लोगों को उतना काम भी करना पड़ता है। अगर एक देश में 20 करोड़ शर्ट बन रही है तो एक देश में 140 करोड़ शर्ट बनानी पड़ रही है। तो जितनी जनता है उतना कंज्यूम भी हो रहा है, उतना काम भी है। चलो ये तो होगी दूसरे राजनीतिज्ञों की बात। अब आपकी जो सोच है, हाँ जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, हाँ जी, वो आदमी ये क्यों सोचे कि भाई साहिल हिंदुस्तानी की सोच करनाल के लिए, पहले तो करनाल क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव लड़ना है, हाँ जी, तो करनाल की बात हम करते हैं। हाँ जी, पहली बात ये है कि करनाल के लिए आपके पास क्या एजेंडे हैं? हाँ, सिर्फ 5 एजेंडे पूछूंगा, ऐसे तो लिस्ट बनाने लगे तो शायद 50 की बन जाएगी। 5 ऐसी चीजें जो आपको लगता हो कि ये लोग अगर सुनेंगे तो उनका कहीं ना कहीं रुझान बढ़ेगा कि भाई ये आदमी है जो खट्टर को टक्कर दे सकता है, ये आदमी है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टक्कर दे सकता है। उपल साहब ऐसा है, वादे ना बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टो आते हैं, तो बिना वादा किए तो कोई वोट देगा नहीं। मैं भाई उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ कि बहुत सारी लिस्ट बनती है, बहुत सारे वादे होते हैं। मैं अभी तक हम क्या कह रहे थे, हम बदलाव करना चाह रहे थे जनता से, जनता को लेके चीजों की। मैं सबसे पहले बदलाव करना चाहूंगा अपने अंदर। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं किसी मुकाम पर पहुंच गया, मैं आपके इस मीडिया के इसी के साधन आपके इसी माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ कि मैं 40% सैलरी लूंगा, क्योंकि मुझे अपना घर परिवार भी चलाना है। जो सरकार ने देनी है, जो सरकार की तरफ से सैलरी होगी उसका 40% आप नहीं लोगे? 60% बिल्कुल नहीं, यानी लाख रुपए सैलरी तो 40,000 लोगे? 40,000 लूंगा, ठीक है। सबसे पहला ये मैं अपने अंदर बदलाव करूंगा। आज के लिए या उस टाइम? मैं हरे के लिए नहीं, उस टाइम लोगे 40% या आज के हिसाब से जो है? सर आज तो मैं कुछ हुई नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि 40,000 रुपए में आज तो गुजारा हो सकता है, हो सकता है उस टाइम ना चले, लोग आते 40,000 रुपए की तो चाय पी जाते हैं घर आके। तो फिर उपल साहब ना बहुत सारी हो सकते हैं, जो सैलरी आज 1 लाख है वो 1.5 लाख भी हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ, यानी चाय पानी खर्चा घर परिवार 40% में काम चल जाएगा। मेरा चल जाएगा, एनालिसिस कर लिया आपने? मैंने कर लिया। चलो 40% हो गया, एक बात। दूसरा
दूसरा जो जो ये पेंशन लेते हैं दो दो तीन तीन, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं कोई भी पेंशन नहीं लूंगा, जो भी पेंशन लूंगा वो 58 साल के बाद जो बुढ़ापा पेंशन होगी वो लूंगा। यानी कि आप अगर विधायक बनते हैं, आपको जनता चुन लेती है, तो जो 5 साल का आपका टेनर है उसके बाद आपको पेंशन नहीं लेंगे? नहीं, ठीक है, दो चीजें हो गई। हाँ। तीसरा जो मैं बदलाव लाऊंगा, ये जो बोलते सारे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ना हम जब कोई किसी मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तब हम एग्जाम्पल प्रस्तुत करने शुरू करते हैं कि इस आदमी ने क्या एग्जाम्पल दिया। मैं सिंपल करनाल की जनता को, प्रदेश की जनता को, युवाओं को ये बात बोलना चाह रहा हूं कि एक बार आप मौका देंगे तो मैं अपने आप को उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाऊंगा। कहना और करने में बहुत फर्क होता है, मैं कथनी में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। मैनिफेस्टो में तो आपको कुछ पॉइंट देने पड़ेंगे ना, जो लोग सुने सिर्फ पेंशन और तनख्वाह की बात से तो लोग वोट नहीं देने लगे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उपल साहब, कि ये जो वीआईपी कल्चर है, मैं इतना कह रहा हूँ कि देश के इतिहास में, देश की किताबों में एक दिन साहिल हिंदुस्तानी पढ़ाया जाया करेगा। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? मैं या ऐसा लग नहीं रहा, मैं अपने आप को उस तरीके के उदाहरण, आपको लग रहा है ओवर कुछ कह रहे हो आप? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल, एक बात बताइए, मान लो आप चुनाव जीतो तो पढ़ाए जाओगे, अगर हारे तो क्या थोड़ी पढ़ाए जाओगे? वही तो कह रहा हूँ, मैंने एक बात पहले बोली कि अगर कोई मुकाम पे पहुंच जाता है तो हम उसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो उस मुकाम पे पहुंचाना तो जनता का काम है ना। मैं उदाहरण उसके बाद तो प्रस्तुत, मोदी जी का अनुसरण कर रहे हो, उनको भी ये लगता है मैं भी कभी पढ़ाया जाऊंगा? नहीं नहीं, देखो उनको, उनका पढ़ाना और मेरा पढ़ाना डिफरेंट होगा। मैं उस वे में नहीं, मैं उस साधारण वे में कि कोई आदमी इस पोस्ट पे रह के और वो जमीन पे था, तो आप लोगों के बीच में होता था। तीसरी चीज ये होगी भी, दो तो आपने बताया, तीसरा ये कि आप पढ़ाए जाओगे, ये आपको लग रहा है मैनिफेस्टो का पार्ट होगा। चौथा ये कि अभी तक जितने भी माँ बाप है ये सोचते हैं, उपल साहब मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए, कोई ये नहीं सोचता मेरा बेटा अच्छा नेता बनना चाहिए, कोई ऐसा नहीं सोचता कि मेरा बेटा इस देश को रिप्रेजेंट करे। क्यों? सबको लगता है कि राजनीति गंदगी है, जैसे आपने बताया, ऐसा बना दिया गया, दलदल है, जो जाएगा डूब जाएगा। तो मैं वो आप अपने बेटे को नेता बनाओगे? मैं ये नहीं कह रहा जी, ये उसकी चॉइस होगी। लेकिन इसके बाद लोग ये जरूर कहना शुरू करेंगे कि राजनीति गंदगी नहीं है, राजनीति में अपने बच्चों को लेके आएंगे उसमें अच्छे लोग, लोगों बच्चों को प्रेरित करेंगे, वो अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि ये सरकार, देश, समाज, शहर हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है, उसे भी हमने निभाना है। पांचवा मैं आपको बताऊं इसमें, उपल साहब, मैंने वैसे आपको एक बताऊं कि मैंने ना ये ऐसा ये पिक्चर तैयार नहीं की। नहीं, पिक्चर मेरे से क्या होता है कि ना, पिक्चर वो तैयार करता है जिसका वो इंटरव्यू फिक्स किया हो कि उपल साहब आप ये क्वेश्चंस पूछना और मैं ये वाले जवाब दूंगा। हाँ। ठीक है, तो ना तो मुझे एजेंडा तो फिक्स होना चाहिए ना। हाँ, एजेंडा सर देखो मैंने ये बता दिया, 4 मेरे ये हैं जो मैं करने वाला हूँ, 5वां जो जनता के लिए जो चीजें होंगी वो मेरे को बदलाव करनी है। चलो, आप ये जो फेसबुक पे लिखते हो मुखिया जी, ये मुखिया जी कौन है? मुखिया जी देखो, मुखिया जी कौन हो सकते हैं? बताओ, हमारे प्रदेश के हम जनता है, मुखिया जी हमारे राजा है। कौन? राजा, राजतंत्र, राजा हिंदुस्तानी? नहीं, राजा हिंदुस्तानी नहीं, हमारे मनोहर लाल जी हैं, जो करनाल से विधायक है, जिनको जनता ने इतना प्यार दिया। 2014 में मैंने भी दिया था, जब उनकी पार्टी के लोग भारी भगाओ के पोस्टर लगा रहे थे, मेरे जैसे उनके साथ खड़े थे, एक बदलाव देखना चाह रहे थे। तो आपको लगा कि उन्होंने आपको इतना साथ देने के बावजूद सरकार में जगह नहीं दी, इसलिए अब चुनाव लड़ना चाहते? नहीं जी, मैंने उनसे कभी सरकार में जगह मांगी नहीं। हाँ, मैंने उनसे कभी सरकार में जगह मांगी नहीं। उपल साहब, मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज के 100 लोग गवाह होंगे, प्रेम प्लाजा जो ये है, प्रेम प्लाजा जो रेलवे रोड पे है, वहाँ आपने हाथ जोड़े थे उनके आगे? मैंने नहीं जोड़े थे, मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं बता देता हूँ, वो मुझसे बड़े हैं, मेरे संस्कारों में बड़े बुजुर्गों को रिगार्ड करना, मैंने उन्हें नमस्ते किया था, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, तो वो फोटो वायरल हो गई। वो फोटो देखो जी, वायरल हो गई। अच्छा, मीडिया ने कर दी, मीडिया ने ये कह के कि आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हो। yes, जिनमें से मैं भी एक था। हाँ, मैंने एक और बता रहा हूँ उपल साहब, मैंने अगले दिन एक पोस्ट डाला था कि मैंने जो इंटरव्यू में 7 मिनट का इंटरव्यू था, हाँ, वो सिर्फ 1 मिनट का चलाया गया। हाँ, वो 6 मिनट का चला नहीं। हाँ, वो 6 मिनट का इंटरव्यू चला था। देखो आपके सामने है सर, मैंने तो किया नहीं वो। नहीं, आपने नहीं किया, मुझे भी नहीं पता। मेरी अगर मुझे मालूम होता उपल साहब की उनसे मुलाकात होने वाली है, तो 2 लोग मैं भी साथ लेके जाता ना कि भैया मेरे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना, कल को कुछ और ना कहते और परना वरना डाल देना। अगर मैंने जाना ही होता तो मैंने ना तो परना डाला, मुझे खट्टर साहब ने बोला कि हम चाहते आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो, 100 लोग इस चीज के गवाह हैं। मैंने उनको मुंह पे मना किया था कि नहीं जी, ना तो मेरी कोई इच्छा आपकी पार्टी ज्वाइन करने की, मैंने तो कल को आपके खिलाफ चुनाव लड़ना है और मैंने आपकी सदस्यता भी नहीं लेनी।
तो चुनाव आपने लड़ने की बता दी थी उनको? देखो जी, वो तो पहले से ही मालूम था। मैं 2014 में गांधी जी को प्लेटफॉर्म पे बोल चुका था, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल चुका था, डेली पोस्ट। तो आपको लग रहा है अभी जो खट्टर साहब, उन्होंने गंभीरता से लिया आपको, तभी उन्होंने कहा कि चुनाव हमारी पार्टी में आ जाओ? पता नहीं जी, उन्होंने गंभीरता से लिया या नहीं लिया, या उन्होंने वो देखा जी कि ये, क्योंकि वो ना मौके बनाते हैं, वो मौके बनाते हैं कि इस मौके पे हमें किसकी जरूरत है, आज हम कहां पे फंसे हुए हैं, को हमारे साथ आ सकता है, वो मौके बनाते हैं। अच्छा, आपको 2019 में कितने वोट मिले? मुझे 858 वोट मिले। 858, यानी 858 सपोर्टर तो हैं आपके पास? मुझे तो नहीं जी, मुझे तो ये लगता है 858 परिवारों से जुड़ा मैं। 858 परिवारों से जुड़े हो। एक सवाल उठे थे जिनमें से मैं भी था उठाने वाला, मेयर चुनाव में आपने लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे 10-10 रुपए शायद, उन पैसों का क्या रहा, आज तक नहीं पता लगा? नहीं नहीं, मैंने वो जी बिल्कुल बता दिया था। हाँ। मैंने बिल्कुल बता दिया था। वो कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? 2700 रुपए इकट्ठे हुए थे जी। बस? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप कितने लोगों से मिले होंगे? देखो, एक कंपेन कर रहा था मैं, एक कंपेन कर रहा था, और मुझे मालूम चला कि किसी वजह से वो जो वोटर आईडी को इशू हुआ, आपको लगा कि उस टाइम ज्यादा ट्रोल कर दिया आपको? अरे देखो, वो मीडिया वालों का जी, देखो कहीं ना कहीं उनको एक रोल प्ले करना होता है पॉजिटिव। लेकिन आप ये तो मानते हो कि जो वो ट्रोलिंग थी वो वहीं तक थी, आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं तो आप यहाँ ना बैठे होते, अगर मन में ऐसा होता तो? मैं देखो, ऐसा है, ये क्या होता है उपल साहब, मैं कभी भी किसी के प्रति अपने मन में नहीं रखता हूँ निजी तौर पे। अगर वो समाज और देश के लिए अच्छा कर रहा है तो मुझे ये रहता है कि समाज के लिए कोई अच्छा कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। यानी आप कह रहे हो हम समाज के लिए ठीक करें इसलिए साथ खड़े? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं देखो, आप खट्टर साहब में आपको 5 अच्छी बातें कुछ लगती हैं, 5 गिना सकते हो? खट्टर साहब के अंदर 5 अच्छी बातें? बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ेगी उपल साहब। अच्छा, बहुत सारी 5 ढूंढने के लिए? मैं एक ढूंढने के लिए, आज के दिन एक ढूंढने के लिए खट्टर साहब में वर्किंग करनी पड़ेगी? बहुत सारी। देखो जी, उस ईमानदारी का कोई फायदा नहीं अगर वो ईमानदारी आम जनता के कोई काम ना आए तो। ये तो अक्सर हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते हो। हाँ। और उपल साहब, मैं 2 मिनट और लूंगा, मैं अपना जो चुनाव का, हाँ, मैं उससे पहले एक बात बोलना चाहूँ, मैं कहीं मैं भूल ना जाऊं, मैं सभी को एक मंच देना चाह रहा हूँ। जो लोग कहते हैं विकल्प नहीं है, मैं युवाओं को कहना चाह रहा हूँ कि कब तक हम इन नेताओं के एक वंशवाद के, एक पार्टी के झंडे उठाते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे? अगर हमारे पास एक स्वस्थ दिमाग है, हमारे पास हमारे दिल और दिमाग में देश समाज के लिए कुछ करने की सच में इच्छा है, तो अच्छे लोगों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे नाम, जो ये मैं बातें बोल रहा हूं, अगर मेरे नाम के पीछे हुड्डा, चौटाला, यादव, गांधी लगा होता तो मैं 1 मिनट के अंदर युवाओं दिलों की धड़कन बन जाता। मोदी लगा होता तो भी? हाँ देखो, युवाओं, इन नेताओं के बच्चे विदेश से पढ़कर आते हैं, विदेश से पढ़कर आते हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता, उनका कोई संघर्ष नहीं होता आम जनता के लिए, लेकिन वो जैसे ही आते हैं उनको टिकट मिलती है, और हमारे जैसे लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए कि हमारे छोरे की नौकरी लगवा देगा, मुझे CLU दिलवा देगा, मेरे को लाइसेंस दिलवा देगा, उसके पीछे हम उसे बना देते हैं युवाओं दिलों की धड़कन। तो हम, मैं आम जनता को ये सब बोलना चाह रहा हूँ, इन सब चीजों से निकलो भाई, निकलो। और ये जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का यहां से, जिस दिन मैं अगर बन जाऊं तो यहां से पकड़ के काम कराना। राजा महाराजा नहीं है वो, उन्हें मालाएं, पुष्प गुच्छे, इन सबको बंद करो। कॉलर पकड़ेंगे आप, पर्चा दर्ज करवा दोगे? नहीं, नहीं। प्रतिनिधि के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की? नहीं नहीं उपल साहब, जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन मैं खुद ही ये सब छोड़ दूंगा। अच्छा, जब ऐसी नौबत आएगी? मैंने तो आपको, आपने तो तहसील में रोला किया था, पर्चा दर्ज हो गया था आप पे? देखो जी, तहसील में रोला किया था तो उस पे भी, देखो जी, मैंने सबसे पहले एक मीडिया वाले को फोन किया था कि ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ आप आम आदमी का आवाज उठाए। किनको किया था? हमारे साहब को, क्योंकि सबसे जब पंगा हुआ प्रचलन में वही थे। ठीक है जी, तो मैंने उन्हीं को फोन किया था और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, साहिल जी मैं तो आ नहीं सकता। मेरे चुनाव के टाइम पे भी कोई सज्जन मुझे जबरदस्ती उनके पास लेके गए, उन्होंने कहा कि नहीं चलेंगे, वो हमारा साथ देंगे क्योंकि आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए लोगों तक। उन्होंने तब भी असमर्थता जता दी कि मैं नहीं कवर करूंगा। मैंने तो किया था आपको इंटरव्यू? आपने किया था जी, बिल्कुल किया था, मुझे याद है। फ्री था वो? हाँ बिल्कुल, पैसे नहीं लिए? नहीं बिल्कुल नहीं लिए थे जी, मैं क्यों ऐसा झूठ बोलूं। और वो जो 10-10 रुपए का था ना, हमारे यहाँ पे जी, हमें मालूम है खट्टर साहब के टाइम पे व्यापारियों से बड़े डब्बों में पैसे लिए गए थे। सुमिता सिंह जी ने भी सवाल उठाए थे उसके ऊपर, उसके बाद खट्टर साहब ने भी ये बात मानी थी कि यस, व्यापारियों ने हमें चंदा दिया है पार्टी में। मैं वो कहता हूँ कि वो लाखों करोड़ों के चंदे पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, मेरे 10 रुपए पे उठा था। 10 रुपए पे उठा था? हाँ। और वो 10 रुपए मैंने क्या क्या किया था कि मैं उपल साहब, अगर आपसे, हमने तो उठाया था उस टाइम पे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं किसी से मिल रहा था तो मैं उनसे एज ए आशीर्वाद ले रहा था। जब आप किसी को आशीर्वाद दे देते हो ना, तो वो बटन दबाते टाइम, चुनाव के टाइम आपको याद आता है कि मैंने साहिल हिंदुस्तानी को आशीर्वाद दिया था। साहिल जी मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। आपका सबसे जबरदस्त सपोर्टर, हाँ जी, जिसकी वजह से आप चुनाव जीते हो, जिसकी वजह से आप चुनाव जीते हो, हम एक एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, हाँ जी, कि आपका एक बहुत जबरदस्त सपोर्टर, हाँ जी, जिसकी वजह से आप चुनाव जीते हो, हाँ जी, जिसको लोग आपका राइट हैंड कहते हैं, हाँ जी, हमेशा आपके साथ रहता है, हाँ जी, वो एक ऐसा गलत काम कराया, हाँ जी,
जो सामाजिक तौर पर ठीक नहीं है, हाँ जी, कोई भी एक्स वाई जेड, हाँ जी, आप विधायक हो, हाँ जी, और आपका प्रभाव भी अधिकारियों के ऊपर है, हाँ जी, आप क्या करोगे? मैं इसका छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूँ। नहीं एग्जांपल नहीं, आप क्या करोगे? मैं उसके उसी में आंसर मिल जाएगा। किसी ने कोई प्रोग्राम किया था और उस सड़क पे पूरी की पूरी गंदगी फैल गई थी उस प्रोग्राम से। उन्होंने मुझे कहा कि नगर निगम के जो ईओ साहब है वो आपके मित्र है और हमारा ये चलान काटने आ गए और उन्होंने हमें पर्चा भेज दिया, ठीक है, आप उन्हें कह दीजिए। तो मैंने उन्हें कहा आपने गलती की है तो आपको भुगतनी पड़ेगी। ईओ साहब को भी मैंने ये फोन किया, जी जहां पे भी आपने वो भिजवाया है अगर उसकी गलती है तो जो पेनालाइज करना आप कर दीजिए, ठीक है, अगर उसकी गलती नहीं है और वो उसे स्वीकार करता है, जो भी आपकी पेनल्टी है वो देने को तैयार है, तो उसमें आप थोड़ी सी रियायत देख लेना, क्या कर सकते हैं। तो मैंने दोनों कि अगर उसकी गलती है तो आप उसे कीजिए। नहीं, इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में मैं क्या करूंगा, देखो जी, क्योंकि अगर आप ऐसे आदमी के खिलाफ करते हो तो बहुत सारा जो जन समर्थन है वो छूट जाएगा, वो कहेंगे अगर इन्होंने अपने आदमी की मदद नहीं की तो कल को हमारी कहाँ करेंगे। मैंने आपको एक ही बात बोली उप्पल साहब, जब मैं मोदी जी के बारे में ये बात बोल रहा हूँ, जहाँ देश और समाज की बात आएगी तो मैं उनको कुछ नहीं समझता। अगर ये जो आप मेरे मित्र हैं, अगर मेरा सगा भाई भी होगा, मैं उसके लिए भी वही कहूंगा कि जहाँ पे उसकी गलती है उसे पेनालाइज करना चाहिए, जहाँ उसकी गलती नहीं है उसे बरी कर देना चाहिए। ये काम करोगे? हाँ। करनाल को लेकर जो सपने आम लोगों ने देखे थे, करनाल को लेकर जो लोग ये सोचते थे कि करनाल में एक बदलाव आएगा, 2014 से अभी तक तो कुछ बदलाव दिखा आपको करनाल में? देखो जी, मैं बता रहा हूँ, पार्क थोड़े से अच्छे बने, जहाँ पे बेरोजगार युवा जाके छाया में पेड़ के नीचे सो सकते हैं, सुबह अपने घर से निकल सकते हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ, शाम को घर आ सकते हैं, घर वाले गालियां नहीं देंगे, ये सबसे अच्छा बदलाव आया। उसके बाद बड़े बड़े गेट बने, बाहर से कोई जाए तो देखे बहुत चमक है। मेरे तो रिश्तेदार पूछते हैं आप ये खबरें ढूंढ के कहां से लाते हो, वो गेट तो बढ़िया लग रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि खबरें कहाँ, ये यही तो है ना जी, इसको कहते हैं भ्रमित करना। 2014 में हम भ्रमित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी भ्रमित हुआ। जब 100 लोग एक झूठ को 100 लोग इकट्ठा बोलेंगे तो कई बार वो सच लगने लग जाता है, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। आप टाइलों देखो जी, टाइलों के बारे में कितना कहा जा रहा है, हर एक टाइल के नीचे 1 या 2 रुपए का खेल है किसी की जेब का, तो है जी। वो जो अभी टाइलो की हमने स्टोरी भी की थी, हाँ, जो जिसमें टक्कर में मारी थी, हाँ, मैंने देखा था, आप खंभे पे टक्कर मार रहे थे, हाँ, यस, आप ये देखने वाली बात है ना उप्पल साहब, मैं कि एक टाइले उखाड़ी जा रही है, बिल्कुल सही, और वहीं पे दोबारा लगाई जा रही है, वहीं पे दोबारा लगाई जा रही है। पूछो तो क्यों, कहते ये नगर निगम की थी इसलिए उखाड़ रहे हैं, अब ये स्मार्ट सिटी की इसलिए लग रहे हैं। अरे खर्चा खट्टर जी की उतार के मोदी जी की लगानी है। अरे भैया पैसा किसका है, चाहे मोदी जी की लग रही है चाहे खट्टर जी की लग रही है, पैसा तो जनता का है उप्पल साहब, टैक्स का है उप्पल साहब। मैं आपको एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा, जब मैं चुनाव के लिए लड़ा, मैं अकेला चल रहा था, मैंने ई रिक्शा पे भी कंपेन की, मैं 15 किलोमीटर पैदल चलता था डेली, मेरा टारगेट रहता था उप्पल साहब डेली कम से कम 400 से 500 लोगों को मिलना। अपने आप को अकेले सेल्फ मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ दुकानदार मुझे ऐसे कहते थे, चल भाई आगे चल। कोई कहते थे भाई सुबह सुबह आ गया तू मांगने के लिए चंदा कोई, ठीक है। एक दुकानदार ने बाहर, उसके जो गार्ड था उसने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया कि अलाउड नहीं है। आप देखो, उसके बावजूद तब मैं सोच रहा, एक मिनट के लिए मैंने सोचा, साहिल हिंदुस्तानी तेरे पास सब कुछ है यार, भगवान का दिया गाड़ी है, अच्छा परिवार है, बढ़िया नौकरी है, एसी कैबिन है, नीचे तेरे जवाब काम करने वाले 100 लोग हैं, तू किसके लिए? फिर मेरे मन में आया कि सूर्य तो जब भी उदय होता है जब बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, तो वो तब भी उदय होता है। वो सो रहे हैं, आप सो रहे हैं। मैं उनको एग्जांपल माना कि ये इसके कुछ लोग अगर ये नादान हैं तो इनकी वजह से जो मेरा मकसद है समाज और देश के लिए करने का, अगर इन छोटे लोगों ने, इन 2-4 लोगों ने मेरे उसको उस मकसद से भटका दिया, तो फिर तो मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे। एक, क्योंकि आप राजनीति में आना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल भी पूछे जाएंगे, अभी आप किसी पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ना चाहते हो या आजाद लड़ना चाहते हो? मैं एक मंच देना चाहता हूं, अगर इस इंटरव्यू के बाद या जो मुझे बहुत सारे युवाओं के मैसेज भी आते हैं कि सर कोई मंच बनाओ, कोई पार्टी बनाओ, कोई मंच बनाओ, कोई पार्टी बनाओ, अगर मुझे मेरे जैसी सोच के 100 लोग भी मिल गए, मैं करनाल में नहीं, उप्पल साहब आने वाले टाइम में मैं अपने प्रदेश में विकल्प दूंगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी सोच क्या है कि आजाद चुनाव लड़ना है? किसी भी आज के दिन मैं अपनी पार्टी बना के उसके नाम से लड़ूंगा। फंडिंग है आपके पास इतनी?
मैंने तो उपल साहब पहले भी बोला था ना मुद्रा ना मदिरा, करनाल का एक फंडिंग तो चाहिए ना, फिर भी कैंपेनिंग के लिए पैसे तो चाहिए, पिछले अगर नहीं करोगे रीच ही नहीं होगी तो आप दावे जितने ही कर लो झूठे पड़ जाएंगे सारे। उपल साहब मैं इसमें ना एक 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 बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा करनाल की मीडिया से, जो 5 साल क्योंकि ना उनकी रीच ऑलरेडी लाखों लोगों तक है, वो 5 साल करनाल के मुद्दे उठाते हैं, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, आम जन की आवाज उठाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं एक किसी पाले में जाके बैठ जाते हैं, पर्ची दर्ज करवा देते हैं, गायब भी हो जाते हैं मेरे जैसे। आपके साथ ऐसा हुआ? कुछ लोगों के साथ, देखो मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे ये मालूम चला ये सब चीजें होती हैं। कुछ छोटे पत्रकार मेरे पास भी आए, बहुत सारे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, 60% ठीक है, 40% ऐसे भी हैं जो आए कि साहिल जी बड़े लोगों के बड़े पैकेज सेट हो गए, आप छोटे हो, आपका चुनाव छोटा है, हम छोटे हैं, हमारे साथ कोई छोटा पैकेज तो आप बना लो। तो इसमें गलत क्या है, ये तो सभी लोग करते हैं। देखो ना जी, फिर एक बात बताइए ना जी, अगर एक रावण अगर एक रावण करोड़ों रुपए दे के किसी के साथ पैकेज सेकेट सेट कर लेगा तो फिर मीडिया वालों से राम ही बताएगा ना जी। फिर कहां से वो 5 साल की आपकी की गई मेहनत? आपको लग रहा है कि जो मीडिया है वो बिना कोई यानी कि बिना किसी रहे। नहीं निष्पक्ष तो रहे, यानी आपको लग रहा है पेड इंटरव्यूज ना हो, ना हो पेड पेड ना हो, किसी की पैसे लेके आप विज्ञापन लेना तो बुरी बात नहीं ना जी ना। देखो वो भी आप कह रहे हो पेड पेड ना हो, जिसको आप चोर बता रहे हो उसको राम ना बता दो वहाँ पे। ये कह रहे हो उपल साहब, अगर आप विज्ञापन, कोई भी मीडिया वाला विज्ञापन नहीं ले रहा तो उसने बच्चे कैसे पालेगा? अगर उसके पास पैसे नहीं आएगा तो फिर बैठ जाएगा, बिकाऊ ना बने, बिकाऊ ना बने, बिकाऊ ना बने, ये बड़ी बात है। बिकाऊ ना बने करनाल का, मैं आपको बताऊं करनाल की राजनीति का दुर्भाग्य मैं बताता हूं। कुछ लोग बुरा मानेंगे भला मानेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करनाल की राजनीति 15-20 बड़े व्यापारियों के हाथ में रहती है, और 15-20 व्यापारियों का जो हाथ वो 90% तथा कथित समाज संस्थाओं को रहता है, ये एक चेन बनी हुई है। आप आज यानी आपने कहा मैं भगत सिंह बनने के लिए तैयार हूँ, छोटा मोटा, छोटा मोटा बनो भगत सिंह, और 15-20 में से जितने नाम पता सारे बता दो। अरे उपल साहब वक्त आएगा, नहीं 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 आज ही नहीं, अगर इसका फिर आप में और लोगों में क्या फर्क रहा? मैं आपको, अगर आपने कहा कि वो 15-20 व्यापारी जिनके हाथ में सारा सिस्टम रहता है, आप 15-20 ना बताओ, 5 बता दो। मैं मुझे मालूम है कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ किसी का कोई पर्चा दर्ज हो जाएगा किसी संस्था के खिलाफ, जो मेरा मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। अच्छा, मेरा वो मशीन है। मन में डर है? नहीं नहीं डर नहीं है उपल साहब, क्या चीजें होती है, एक होता है एक गली में, एक छोटा सा क्या था, एक गली में एक लेडीज थी जो गालियां देती थी, तो उससे कोई डरता नहीं था, तो घर के माँ बाप उसे क्या कहते, बेटा गंदगी है उससे बच के चल, उससे बच के चल, अपने आप को बचा के चल, तेरे पे कोई लांछन तेरे ऊपर कोई दोष ना लगा दे, डर नहीं था। तो आपने अगर ये बात कही दी कि 15-20 व्यापारियों के हाथ में करनाल की सत्ता है, तो अगर वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे तो फिर आप नहीं चाहिए। मैं करनाल की जनता को यही बताना चाह रहा हूँ भाई, वो आप लोगों को भ्रमित करते हैं, वो लोग कभी दो चार नाम बता दो ना, थोड़ा अभी से अलग हो जाएंगे, जैसे आपने कहा कि गलत आदमी से दूर रहो। मेरे ख्याल से उपल साहब इतना तो आप मान के चलो, आपको भी जानकारी उन 2-4-5-7 नामों की? नहीं, मुझे नहीं पता। चलो फिर मैं आपको अकेले में बता दूंगा मैं आपको अकेले में बता दूंगा, क्योंकि जो चीजें वो जो चीजें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है ना, मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने एक रास्ते पे 3 साल पढ़े हैं अभी, नहीं इनसे इनसे ना इनसे दूरी बना के रखो, और अगर मैं आपके साथ इंटरव्यू क्यों दे रहा हूँ, अगर मैं हो सकता है कि उन 15 लोगों के साथ भी जा सकता था। उपल साहब मैं इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता, वक्त आएगा आपको तो अकेले में बता दूंगा, लेकिन वक्त आएगा मैं उन सबके नाम बताऊंगा, और वैसे करनाल की जनता हो सकता है आपकी ये ईमानदारी देख के सच्चाई देख के लोग अभी प्रभावित हो जाएं कि भी देखो इन्होंने तो उन 15 लोगों के नाम ले दिए जिनकी वजह से करनाल की राजनीति चलती है। मैं उपल साहब एक और चीज कहना चाह रहा हूँ कि वो एक क्या था, वो एक गली में ना एक औरत थी जिसका करेक्टर करुक्टर ठीक नहीं था, गालियां देती थी, तो माँ बाप उसको कहते थे उससे बच के चला कर, उससे बच के चला कर, ये नहीं था कि उसमें उसको कुछ कह के या कुछ हमें हासिल करना था, लेकिन ये कहा जाता था बच के चला कर, तो मैं ऐसे लोगों से बच के चलना चाहता हूँ क्योंकि जिंदगी का मकसद सेट कर लिया। का करेक्टर ठीक नहीं है आपके हिसाब से? मतलब करेक्टर क्या, मैंने उनको देखा वो आज यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है, उन्होंने फिर पॉलिटिकल करेक्टर ठीक नहीं है। हाँ पॉलिटिकल करेक्टर कोई स्टैंड नहीं है जी, कोई स्टैंड नहीं है उनको, गंगा गए गंगाराम जमुना गए जमुनादास, बिल्कुल उनको मालूम है जी हमें डब्बे भर भर के पैसे भेज देने हैं, अगर 2 लाख भेजे हैं तो उसका 2 करोड़ का काम ले लेना है, तो उनका तो वो सब है, और उससे क्या होता है, उससे मेरे करनाल की 90% सामाजिक संस्थाएं चलती हैं, 90 तथा कथित, मैं एक शब्द यूज कर दूं नहीं तो बहुत पीछे पड़ जाएंगे, तथा कथित 90% सामाजिक संस्थाएं चलती है, उन 15 लोगों का हाथ होता है, और उस संस्था में एक एक संस्था में 30-30 लोग हैं जो उन व्यापारियों का गुणगान करते रहते हैं, गुणगान सुबह से शाम तक गुणगान, वो जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जो अब है वो पैसे वाला अपने काम निकलवा जाता है, वो सामाजिक संस्थाएं तथाकथित
अपना काम निकाल जाती है, लास्ट में जनता रो रही होती है जी। तो अब आप चाहते हैं कि खट्टर साहब के खिलाफ आप चुनाव लड़ें और उनको हराएं, आपको लग रहा है ये मुमकिन है, प्रैक्टिकल है ये? मैंने वैसे उपल साहब अपनी जिंदगी की जो मुझसे रिलेटेड थी सारी की सारी लड़ाइयां जीती हैं। वो मेरी दो लड़ाइयां थी सर, मेरी पढ़ाई की और मेरी गरीबी की, मैंने वो दोनों जीती हैं। ठीक है, अब ये वाली जीत और हार का फैसला ये जनता के हाथ में है और मैं जनता के लिए अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य दांव पे लगा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, निजी तौर पर मुझे ना किसी चौटाला से दिक्कत है, ना मुझे किसी हुड्डा से दिक्कत है, ना मुझे किसी खट्टर से दिक्कत है, निजी तौर पर ना मुझे मोदी जी से दिक्कत है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है मेरा, ना कोई निजी काम मैं उनके लिए पास जाता हूं करवाने के लिए। 7 साल हो गए जी, मैंने इनको पूरा सपोर्ट किया था, मोदी जी को भी किया, खट्टर साहब को किया, आज तक इनका कोई भी नेता ये बोल दे मैंने इनके घर की चाय पी है, आज तक कोई इनका नहीं, ये नेता बोल दे मैंने कोई इनके साथ कोई अपना निजी काम कहा है या निजी काम के लिए गया हूं। मैं तो अपनी, मुझे लगता है कि शहर अच्छे हाथों में होना चाहिए था, बदलाव आना चाहिए था, तो मैं इसलिए साथ खड़ा था। मेरे लिए आज भी मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश सर्वोपरि है। मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में 24/7 सर ये चलता रहता है। मेरे परिवार वाले भी परेशान रहते हैं इस चीज से, क्यों झूठ बोलूं, वो भी कहते हैं किस चीज की कमी है हमारे पास, हमारा काम नहीं है राजनीति करना। तो मैंने कहा राजनीति करना काम नहीं है तो ये फिर हम क्या करेंगे, बड़े से बड़ा IAS। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे याद आ गई जो आपने पूछा था आप 5वां क्या बदलाव लाएंगे, वो बातों में से याद आ जाता है ना। 5वां ये बदलाव होगा, मैं किसी भी मुकाम पे पहुंच गया, मैं कभी भी किसी पुलिस वाले से, किसी IAS ऑफिसर से, किसी HPS ऑफिसर से, किसी IPS से कभी भी सैल्यूट नहीं कराऊंगा, उनको सैल्यूट मैं करूंगा। ये आपको लगता है भी इन बातों से जनता प्रभावित होगी? जनता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक पढ़ा लिखा आदमी जो इतनी मेहनत करता है, कितना कुछ पढ़ता है, कितना कंपटीशन करता है, तब जाके इस पोजीशन पे पहुंचता है। और कुछ नेता अनपढ़ 2% की जिनकी औकात नहीं, हैसियत नहीं, कोई बिरादरी के नाम से उठा हुआ है, कोई जात के नाम से उठा हुआ है, कोई धर्म के नाम से उठा हुआ है, कोई बाप के नाम पे उठा हुआ है, बाप के नाम पे उठा हुआ है, और उनको इतने बड़े पढ़े लिखे IAS IPS अधिकारी सैल्यूट करते हैं, मुझे शर्म आती है इस देश की व्यवस्था पे और सिस्टम पे। तो मैं ये 5वां बदलाव, तो आप संविधान बदलना चाहते हैं? नहीं, संविधान, इसमें संविधान बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि संविधान तो ये कहते हैं ना कि जो नौकरशाह है, हाँ जी, वो पब्लिक के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको यानी कि सल्यूट करेगा, ये यानी कि ये तो कोई मोदी और खट्टर ने नहीं किया, ना नेहरू ने किया। सबसे बड़ा तो जी सबसे आपने एक बार बोला नौकरशाह, सबसे बड़ा तो नौकरशाह जी नेता है। IPS वाले को SP बनने के लिए, DC बनने के लिए जनता का साथ नहीं चाहिए होता, उसने अपना पैसा खर्च किया, अपनी मेहनत की है, अपनी पढ़ाई की, अपनी अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। नेता को तो जनता बनाती है, जनता के असली नेता नौकरशाह तो नेता है, जनप्रतिनिधि है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, नेता को राजा महाराजा बना दिया जाता है और उनसे सैल्यूट करवाया जाता है। कोई मैं देखता हूँ फित्ते बंधवा रहा है उनसे अपने, कोई पानी मंगवा रहा है, कोई मैं देखता हूँ उनकी फैमिली काम कर रहा है, बच्चों को लाने का, छोड़ने कुछ का, नहीं कर रहे, सस्पेंड कर देते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जिस दिन मेरा एक वीडियो वायरल हुआ ना, मैं उनका नाम नहीं लूंगा फिर आप कहेंगे, मुझे 2 पुलिसकर्मियों का फोन आया जी पुलिस लाइन से, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया फोन पे, मैंने कहा जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहते साहिल जी आपने बोल तो दिया किरण बेदी बन जाओ और सिंघम बन जाओ, जिस दिन आप आओगे हम बनना चाहते हैं किरण बेदी और सिंघम, लेकिन जिस दिन हम बनेंगे ना उस दिन हम सिस्टम से बाहर होंगे और हमारे ऊपर ही केस चल रहे होंगे करप्शन के, ये उनके शब्द थे। यानी व्यवस्था मैं कह रहा हूँ जी खत्म है, ये 70 सालों की जो राजनीति हो रही है हमें भी वही तौर तरीके पसंद आ गए, जहाँ हम भीड़ देखते, मैं अकेला चला, मैं अकेला चला चुनाव कंपेन करने के लिए, आप जैसे 2-4 साथी ने कहा जिनकी प्राइवेट नौकरी है, साहिल भाई हम आपके साथ में चलेंगे, तो मैंने कहा यार मैं तो अपनी नौकरी से तनख्वाह छोड़ ही रहा हूँ, आप लोग भी क्यों छोड़ते हो? यानी उन्होंने कहा साहिल तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे उपल साहब, जो 2-2 महीने नेताओं के साथ चलते हैं उनका घर का गुजारा कैसे चलता है? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, जो ये कार्यकर्ता 24/7 पार्टी के झंडे लेके खड़े हो जाते हैं उनका घर का गुजारा कैसे चलता है? मेरे लिए बड़ा सवाल है कैसे चलता है। देखो जी कृपा दृष्टि होती होगी कुछ ना कुछ, कहां से देखो निर्मल बाबा के यहाँ से या कहीं और से, कुछ पेड़ वर्कर भी होते होंगे ना कि यस भैया तू टेंशन ना ले, तू 24 घंटे मेरी जय जयकार कर, कुर्ता पजामा सिलवा मेरे साथ चलाकर जय हिंद कर, जयकार कर नेताजी और नेताजी। वो तो करते नहीं, दो ही चीजें चलती है, एक तो भारत माता की जय, हाँ, वो जय जयकार, हाँ, और एक वो जो भी नेता हो उसके नाम के, हाँ, बस वो नेता वो करता चल और तेरे घर पे राशन पानी पहुंचता रहेगा, शाम के तेरे दारू का जुगाड़ भी होगा और तू 2-4 सेल्फी भी रख मेरे साथ पुलिस वालों को दिखाने के, आम आदमी को रोब जमाने के काम आती रहेंगी तेरे, और ये सब चल रहा है। तो फिलहाल ये थे साहिल हिंदुस्तानी, नाम जितना सुनने में आपको अच्छा लग रहा है, काम उतने अच्छे हैं या नहीं, उतना अच्छा कर पाएंगे नहीं, इस बात को आपने डिसाइड करना है। हमारा काम है दोस्तों कि अगर कोई
अच्छी नीयत के साथ अच्छे काम के लिए आपके बीच में आना चाहता है तो उसे वो मंच दे ताकि उनकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर उनको अच्छा लगे तो वो इस वीडियो को हर जगह पहुंचाएं। बिल्कुल, मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि मेरे पास वो धनाढ्य नहीं है और ना अगर जितना है मैं उसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता झूठी इमेज बना के, ठीक है। अगर आपको लगता है, और दूसरी बात मैं इतना कहूंगा कि मुझे आप लोगों का सहयोग किस लिए चाहिए, अगर आज आप लोग साथ नहीं देंगे तो कोई दोबारा साहिल हिंदुस्तानी हिम्मत नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसकी बढ़िया सी नौकरी होगी, क्यों आएगा वो फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा कि ये इसकी राजनीति में जाना है, जनता के लिए कुछ करना है, और नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हो तो आपके मुंह से वो वाली बातें निकलती है जो उस पार्टी की होती है, आप अपनी बात ही नहीं रख पाते। हौसला तोड़ दिया अगर लोगों ने आपकी वीडियो को, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया, ज्यादा लोगों ने ना देखा, उनको आपकी बात पसंद ना आई, तो फिर जॉब दोबारा ज्वाइन करोगे? उपल साहब, मैं दोबारा से एक बात बोल रहा हूँ, मेरा एक स्लोगन पहले भी था, आज भी है, विदाउट ट्राई आई डोंट वॉन्ट टू डाई। अच्छा, बगैर कोशिश किए मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, एक बार करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैंने पहले भी की थी, दोबारा भी करूंगा और तीसरी बार भी करूंगा। अच्छा, तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है रास्ता बड़ा मुश्किल है, कांटों वाला है, लेकिन एक छोटी सी तीन लाइनें बोलूंगा, जो क्रांति में, जो आग में जलाना चाह रहा हूं वो जलती रहनी चाहिए, जो क्रांति में लाना चाह रहा हूं वो रुकनी नहीं चाहिए। मेरे जैसे हजारों कुर्बान हो जाएं देश के ऊपर, भारत माँ की लाज कभी भी लुटनी नहीं चाहिए। तो एक साहिल हिंदुस्तानी अगर हटा दिया जाता है, किसी केस में फंसा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है, तो मैं चाहता हूं बहुत सारे इस समाज के युवा जो देश और समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, वो आगे आए, जुड़े, एक मंच में इकट्ठे हो। मैं आपको वादा कर रहा हूं कहीं किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े पार्टी के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तथा कथित समाज सेवियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तथा कथित पूंजीपतियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद इतना काबिल होंगे कि हम बदलाव ला सकेंगे, ला सकेंगे। सिर्फ इतना सही कहना चाह रहा हूं। ये थे साहिल हिंदुस्तानी, अपनी बात को अपने तरीके से रखा। अगर आपको इनकी बात अच्छी लगी, इनकी बात पसंद आई, आपको लगता है कि आगने आने वाले चुनावों में, जो कि अभी बहुत दूर हैं, सोचना जल्दबाजी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका जो निर्णय है वो जल्दबाजी में नहीं लिया गया, इन्होंने अपनी नौकरी को ना केवल दाव पर लगाया बल्कि छोड़ दिया है, परिवार के लिए एक फिक्स अमाउंट रख दिया है कि हर महीने उनका खर्चा आता रहे, वो इन्हें परेशान ना करें, और तीन साल बाद, लगभग साढ़े तीन साल बाद विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी में अभी से जुट गया। हालांकि कामयाबी मिलेगी या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले ही कह दिया है कि एक बार चुनाव लड़ चुका हूँ, दूसरी बार लड़ूंगा, अगर फिर बात ना बनी तो तीसरी बार लड़ूंगा, यानी कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन तक ये चलेंगे, अगर फिर भी बात ना बनी तो सोच लेंगे भी राजनीति में इनकी कोई जगह नहीं है। मैं तो, एक एक चीज के साथ एंड करना चाहूंगा जी, एक चीज, हमारे जब मेरे करनाल से कोई युवा डांस इंडिया डांस में जाता है, मेरे करनाल डिस्ट्रिक्ट का कोई युवा क्रिकेट में मुकाम हासिल करता है, कोई करनाल की बेटी मुकाम हासिल करती है, वो चाहे मिस इंडिया, आईएएस, आईपीएस बनती है, तो हम करनाल वालों को गर्व होता है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे शहर के युवा ने ये किया। अरे आपका शहर का युवा अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, हम सबके लिए, आप सबके लिए एक बदलाव लाना चाह रहा है, तो उस पर भी आप गर्व महसूस करो, उसका साथ दो। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि करनाल का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। तो अगर आपको भी लग रहा है कि करनाल का जो नाम है वो साहिल हिंदुस्तानी स्वर्ण अक्षरों में लिखवा सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और इसे शेयर करें। आप सभी से अपील, बने रहिए हमारे साथ, इस तरह के और भी एपिसोड आगे चलकर, ना केवल साहिल हिंदुस्तानी के साथ, अगर कुछ और भी लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी सोच समाज तक जानी चाहिए तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात को भी आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।